न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा स्तर के ही NCERT के पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाहबाद और सम्स ने कहा है कि शुरुआत में ही 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और इसके साथ ही इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के ही अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और इसके साथ ही NCERT पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं और इसमें पहले चरण में ही देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2-2 मदरसे और नैनीताल जिले के 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने के लिए चुना गया है और इसके बाद इस व्यवस्था को अन्य मदरसों पर भी लागू किया जाएगा। और खास बात यह होगी कि इन मदरसों में सभी धर्मों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मदरसों में सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक फजर की नमाज के बाद ही कुरान की शिक्षा दी जाएगी और इसके बाद सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मदरसे सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे, जबकि 2 बजे के बाद फिर मदरसे के रूप में चलने लगेंगे। और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी इन्हीं तरह से चलाया जाएगा और मदरसों में स्मार्ट क्लास होगी ताकि इनसे पढ़कर निकलने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, जिसमें उन्होंने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखा है, उत्तराखंड से देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड से हमारे साथ सुभाष गोड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष गोड, जिस तरह से मामला सामने आया है कि उत्तराखंड के मदरसों में अब लागू होगा ड्रेस कोड, इसको लेकर क्या अभी अपडेट है? जी बिल्कुल, वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा, साथ ही NCERT की जो पुस्तकें हैं वो भी अब मदरसों में पढ़ाई जाएगी, यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति मदरसों में पढ़ सकता। और जिस तरीके से पहले मदरसाओं में केवल उन्हीं के धर्म की चीजें पढ़ाई जाती थी, उसी पुस्तिकाओं को पढ़ाया जाता है, लेकिन अब क्योंकि समान तौर पर शादाब शम्स ने कहा है कि सभी शिक्षा समान होनी चाहिए और NCERT की जो पुस्तकें हैं वो मदरसों में अगले सत्र से पढ़ाई जाएंगी। हालांकि शुरुआती दौर में 7 नए मदरसे यानी कि जो स्मार्ट मदरसे हैं उनकी तैयारी वक्फ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, जिसमें 2 राजधानी देहरादून के होंगे, 2 हरिद्वार के होंगे, 2 उधम सिंह नगर और 1 नैनीताल जनपद से होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ड्रेस कोड के तहत मदरसाओं में अब शिक्षा दी जाएगी जैसे अन्य स्कूलों में दी जाती है, NCERT की पुस्तकें पढ़ाई जाएगी जैसे अन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। और शादाब शम्स ने ये भी कहा है कि जिस तरीके का सपना PM नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उस तरीके का सपना उत्तराखंड से हम साकार करके भी दिखाएंगे। और यही वजह है कि अब वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तैयारी के साथ मदरसों में अब NCERT की पुस्तक ड्रेस कोड पूरी तरीके से शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए उनकी तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली गई। अगर बताया जाए तो प्रदेश में 103 मदरसे हैं जिन मदरसों में ये ड्रेस कोड और NCERT की पुस्तकें हैं वो लागू की जाएंगी अगले सत्र से। जी, मदरसों का क्या समय रहेगा, इसके बारे में अभी कोई अपडेट सामने आ पाई है सुभाष? जी बिल्कुल, इसके लिए तैयारी जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी ये बात निकल कर आ रही है कि मदरसों में जो पहली अजान होती है, जो नमाज होती है, वो सुबह कराई जाएगी और उसके बाद NCERT की पुस्तकों के जरिए उन मदरसों में शिक्षा दी जाएगी जो भी बच्चे वहां पढ़ेंगे, और दोपहर 2 बजे के बाद फिर से जिस तरीके से पूर्व में मदरसे चलते हैं उसी तरीके से उन मदरसों को संचालित किया जाएगा। यानी कि अभी रूपरेखा पूरी तरीके से नहीं बनाई गई है, हालांकि ये जरूर प्लानिंग के तौर पर देखा गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक NCERT की पुस्तकों के जरिए छात्र छात्राओं को मदरसे के भीतर पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी रूपरेखा बनाने की तैयारी वक्फ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की तरफ से की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ किस तरीके से ये सब चीजें की जाएंगी उसके लिए विस्तृत जानकारी वक्फ बोर्ड की तरफ से जल्द सभी को मिलती हुई नजर आएगी। जी जी सुभाष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले अजान होगी, उसके बाद जैसे रूटीन क्लासेस चलती हैं वैसे ही चलेंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह पहले अजान कराई जाएगी, उसके बाद NCERT की जो पुस्तकें लागू कराई जा रही है मदरसे में
उन पुस्तकों के जरिए पढ़ाया जाएगा छात्र छात्राओं को। और दोपहर के बाद जो सत्र का मदरसे चलते हैं उसमें रूटीन जिस तरीके से मदरसे चलते थे उस तरीके से चलाए जाएंगे। इस तरीके की तैयारी अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसमें अभी कितने बदलाव किए जाते हैं, किस तरीके से सभी चीजों को धरातल पे उतारा जाता है, उसकी तैयारी वक्फ बोर्ड जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ड्रेस कोड लागू करने की बात की है, एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने की बात की है, स्मार्ट क्लासेस मदरसों के अंदर चलाने की बात की है, तो ये कहा जाता है कि इसको करने के लिए एक रणनीति बनानी बहुत जरूरी है, इसके लिए पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है, तब जाकर कहीं ना कहीं इस पर काम किया जाएगा जिसके लिए वो तैयारी करेंगे। और क्योंकि तैयारी के लिए उन्होंने समय मांगा है कि अगले सत्र से वो ये चीजें करेंगे, लेकिन जो 7 मदरसे हैं उन मदरसों का जरूर इस बार चयन किया गया, जिसमें राजधानी के 2 हैं, हरिद्वार जनपद के 2 हैं, उधम सिंह जनपद के 2 और नैनीताल जनपद का 1 है। ये जो 3 जनपद मैंने आपको बताया, राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सकती है। और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इन मदरसों को सबसे पहले चुना गया। और इसके साथ ही नैनीताल को ये कहा जा सकता है कि छात्रों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है नैनीताल और मसूरी को, तो इसलिए उन क्षेत्रों में भी एक मदरसे को चयनित किया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिस पर ये सबसे पहले सत्र की जो तैयारी है वो की जाएंगी। और वक्फ बोर्ड की जो पूरी टीम है, अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग हैं, वो ये चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों में बेहतर शिक्षा छात्रों को मिल पाए, बेहतर जो आगे भविष्य उनका बन पाए, और यही वजह है कि वो एनसीईआरटी की पुस्तकों को भी मदरसों में अब शुरू करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, इसमें अहम बात ये रहेगी कि छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लगानी पड़ेगी और उसी क्लासेस में ही उन्हें जो नमाज भी पढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही जो आगे की प्रक्रिया होती है वो आगे की जो पढ़ाई होती है वो भी कराई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून में दर्जनों निवेशकों और उद्योगपति के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े हैं और दिल्ली से सुबह सुबह आई आयकर अफसरों की कई टीमों के पहुंचते ही हड़कंप मच गया और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस फोर्स मांगी गई है, मांग यही है। और इसके साथ ही गुरुवार सुबह देहरादून के नेशविला रोड में एक के बाद एक आयकर विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों के पहुंचने के आसपास भीड़ जुट गई और कई निवेशकों और उद्योगपतियों के घर छापा पड़ा है। इनमें से अभी बता दें आपको कि MJ रेजिडेंटी और इसके साथ ही रेजिडेंसी के मालिक घर पर छापा पड़ने की खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून के ही प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जोहर, राज लुम्बा और मेहता और इसके साथ ही नवीन कुमार मित्तल और भू माफिया मित्तल गुप्ता के ठिकानों और घरों पर रेड जारी है। और देहरादून में आयकर विभाग के इस मुहिम को लेकर ही रितेश भट्ट के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई शुरू की गई और विभागीय अधिकारियों के छापे के बाबत भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया गया। आपको बता दें कि नेशविला रोड पर फैंसी वूल वालों विजय टंडन के यहाँ भी छापेमारी करवाई गई है और ये सब मंजीत जोहर के सिंडिकेट के लोग बताए जा रहे हैं। और राज लंबा के घर रेस्कोर्स भी टीम पहुंची है और मंजीत जोहर खनन कारोबारी हैं। मंजीत का नाम अवैध खनन में भी कई बार आ चुका है और कुल 50 लोग बताए जा रहे हैं जिनके यहां छापा मारा गया है। ऋषिकेश में भी बिल्डर और होटल व्यवसायी मंजीत जोहर के रेलवे रोड पर मौजूद होटल में आयकर विभाग ने छापा मारा है। यहाँ होटल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुभाष हमारे साथ लगातार बने हुए। सुभाष, जिस तरह से आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या सामने आ रहा है इससे? जी बिल्कुल, जैसे ही आयकर विभाग की जो टीम है वो राजधानी देहरादून, ऋषिकेश और सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में पहुंची, उसके बाद से ही जो उद्योगपति हैं वो उनके कहा जा सकता है कि नींद उड़ गई है। और इसके साथ ही तमाम जो उद्योगपति थे उनके क्षेत्रों पर, उनके ठिकानों पर आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, कागजी कार्रवाई कर रही है। और ये कहा जा रहा था कि आयकर विभाग की जो टीम है वो सुबह दिल्ली से राजधानी देहरादून पहुंची, ऋषिकेश पहुंची और सहारनपुर के कुछ क्षेत्रों में पहुंची। हालांकि अभी तक जिन ठिकानों पर रेड की जा रही है, जिन लोगों के घरों में रेड की जा रही है, वो तमाम जो लोग हैं वो उद्योगपति हैं और साथ ही उनका व्यवसाय प्रॉपर्टी और खनन जैसे जो कारोबार है उनमें रहता है। और यही वजह है कि आयकर विभाग की टीम सुबह से लगातार उन क्षेत्रों पर
जांच भी कर रही है और कागज जुटाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि आयकर विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी मीडिया के समक्ष नहीं रखी गई और जब उनसे बात करने की कोशिश भी की जा रही है तो वो किसी भी बात को अभी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। यानी कि ये साफ है कि रेट अभी भी जारी है और कई क्षेत्रों में आयकर विभाग की जो टीम है वो सुबह पहुंची थी। रेस कोर्स क्षेत्र में आयकर विभाग की जब टीम पहुंची तो स्थानीय जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं घबराते हुए नजर आए, क्योंकि कई गाड़ियां एक साथ उस क्षेत्र में घूमती हुई नजर आई। इसके साथ ही नेशनल रोड राजधानी देहरादून के उन क्षेत्रों में भी आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों के घरों में छापेमारी की वो पेशे से या तो बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, खनन माफिया थे और कई बड़े उद्योगपति भी उनमें शामिल हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तक पूरी जानकारी, सटीक जो जानकारी है कि आखिरकार किसके घर से क्या बरामद हुआ और किस किस घर किस किस के घर पर रेड की गई, उसकी जानकारी आयकर विभाग द्वारा अभी तक नहीं दी जा रही। जी, जैसे पता चल रहा है सुभाष, कि क्या आयकर विभाग को कोई गुप्त सूचना मिली थी कि इनके यहाँ छापेमारी की जाएगी, या फिर कुछ अभी तक बरामद नहीं हो पाया? जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं हुई है कि आयकर विभाग को कोई सफलता हाथ लगी हो, लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या गुप्त सूचना मिली थी आयकर विभाग को? जी बिल्कुल, जब भी आयकर विभाग कहीं भी छापेमारी करती है तो किसी सूचना के आधार पर ही करती है और ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी राजधानी देहरादून में आयकर विभाग द्वारा जो भी छापेमारी आज तक की गई है वो किसी सूचना के द्वारा ही की गई है और उसमें कुछ न कुछ आयकर विभाग द्वारा बरामद जरूर किया गया है। लेकिन क्योंकि एक साथ इतने सारे क्षेत्रों में रेड करना, जिसमें ऋषिकेश भी हो, राजधानी देहरादून भी हो, राजधानी देहरादून के अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो नेशवला रोड हो, रेस कोर्स हो, इन क्षेत्रों में जब आयकर विभाग अभी भी कार्रवाई कर रही है तो ये कहना साफ नहीं होगा कि उन्हें कुछ बरामद नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी छापेमारी जारी है और कई कई क्षेत्रों में आयकर टीम जो है लगातार छापेमारी करने पहुंच रही है, लेकिन अभी देखना होगा कि आयकर विभाग कब पूरी जानकारी देती है कि आखिरकार कितना उन्होंने जो ये कहा जा सकता है कि अवैध रूप से जो पैसे इकट्ठे किए थे वो कितने बरामद हुए भी या नहीं हुए, तमाम चीजों की जानकारी जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी मीडिया के समक्ष आयकर विभाग के जरिए नहीं रखी गई है। जी बिल्कुल, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे सुभाष। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। श्रद्धा मर्डर केस चर्चा में है। श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोपी आफताब अबीन पूनावाला को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस घटना को धार्मिक एंगल से जोड़कर भी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और सूफियान निज़ामी ने हर बात को मजहब से जोड़े जाने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में हर एक मामले को मजहबी एंगल देने की कोशिश की जाती है, भले ही वो मामला आपराधिक ही क्यों ना हो। और आफताब और श्रद्धा का जो मामला है उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये लोग मजहबी लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूफियान निज़ामी ने यह भी कहा है कि इसको जिस तरीके से सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यही हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर दारुल उलूम फिरंगी के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से मजहब का एंगल दिया जा रहा है केस को वो बहुत गलत है और दूसरी तरफ इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में हर एक मामले को मजहबी एंगल देने की कोशिश की जाती है, भले ही वो मामला आपराधिक ही क्यों ना हो। और आफताब और श्रद्धा का मामला, जो मामला सामने आया है, उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये लोग मजहबी लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूफियान निज़ामी ने यह भी कहा कि इसको जिस तरीके से सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यही हमारे देश की बदकिस्मती है। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में हर एक मामले को, चाहे वो अपराध से उसका ताल्लुक हो, जुर्म से उसका ताल्लुक हो, उसको भी कहीं ना कहीं मजहबी रंग और मजहबी एंगल देने की कोशिश की जाती है। आफताब और श्रद्धा का जो मामला है, यकीनी तौर पर उसका मजहब से न तो कोई लेना देना है और न ही ये मजहबी लोग हैं जो इस तरीके के जराइम को अंजाम दे रहे हैं। अब इसको अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए जिस तरीके से यूज और इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है।
तो इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया है श्रद्धा को लेकर, उसको अब एक और टिप्पणी दी जा रही है कि इसको लेकर अब मजहब का नाम ना दिया जाए, इस पर अभी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से धार्मिक गुरु निजामी ने जो ये बात कही है, बात मुझे लगता है कि 90% कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है और दिख रही है। धार्मिक एंगल इसलिए कि किसी भी मामले को लेकर के जो लव एंगल पे, यानी कि अब कहा जाए अगर कोई भी स्टोरी है, चाहे वो सुसाइड हो, मर्डर हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट एंगल पर कोई मर्डर, उसमें लव जिहाद की एंट्री हो रही है और इसको धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सोशल साइट पर तो बड़े बड़े फ्रीजरों को लगा करके मैं कह सकता हूँ कि निशाना लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज धार्मिक गुरु जो निजामी है, इन्होंने ये बात कही है कि बड़े अफसोस की बात है कि भारत देश में अब, यानी कि खास करके उत्तर प्रदेश और भारत देश में अब जो किसी तरीके के अपराधी हैं, उनका धर्म या मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान भी कहता है और ये न्यायपालिका भी कहती है कि अपराधी का कोई जात, धर्म, मजहब नहीं होता है। जिसको लेकर आज निजामी ने जो बात कही है, ये बात भी कहीं ना कहीं हद तक सही भी है और उन्होंने इस बात के इशारों को समझाने की कोशिश की है। मैं कह सकता हूँ उनका इशारा सरकार पर भी हो सकता है, भारत सरकार पर भी है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इसको धार्मिक मजहब से जोड़ने की जो कोशिश है, ये बड़ी दुखद है, क्योंकि तालाब की एक मछली गंदी है तो उसको सबको नहीं कह सकते, ये बताने की उन्होंने प्रयास किया है। और ये मुझे लगता है कि बड़ी गंभीरता से उन्होंने इस बात को लिया है कि बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे बन रहे हैं। जब धार्मिक मुद्दे बनेंगे तो उसका ट्रायंगल कुछ अलग होता है, जिससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है और माहौल खराब होने के साथ साथ जो क्राइम ऑफ जो व्यू है, उस व्यू को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। जिसको निजामी ने ये बात कह करके समझाने का प्रयास किया है, फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे जो श्रद्धा मर्डर केस है, इसको सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, उनकी जो बाइट आई है, जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान के आधार पर तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसको सियासी आधार पर मजहब के मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मजहबी का एंगल बना करके इसको राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोपी भले ही आफ्ताब हो और हत्या जिसकी वो भले ही श्रद्धा हो, ना तो आरोपी का कोई धर्म है और ना ही उसका कोई मजहब है, क्योंकि निजामु ने एक बात ये भी कही है कि हत्यारे का कोई धर्म नहीं है, उसका कोई लेना देना मजहब से नहीं है, फिर भी सबको कहा जा रहा है, फिर भी इस मजहब में, मजहब को इसमें शामिल किया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर, यानी कि और भी कई मामले हैं, जैसे कि लखनऊ में सुफियान का मामला हुआ, उसको भी ट्रायंगल में लेफ्ट जिहाद की एंट्री होने लगी, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी प्रकरण और किसी भी मामले में, चाहे वो हत्या का हो, चाहे वो लव एंगल का हो, चाहे वो मर्डर का हो, सुसाइड का हो, उन सभी में धार्मिक स्थिति को जोड़ना और मजहब को उसमें लाना, ये बड़े अफसोस की बात है और राजनीतिक पार्टियां इससे फायदा उठा रही हैं। अब ये कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने इसका नाम नहीं लिया है। सत्ता में, केंद्र में भाजपा है और उत्तर प्रदेश में भाजपा है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, और आखिर निजामी के निशाने पर कौन सी पार्टी है, ये उन्होंने साफ लब्जों में नहीं कहा, लेकिन अंधेरे में उन्होंने तीर चलाया। ये तीर मुझे लगता है सीधे सीधे सत्ता पक्ष की पार्टी पर भेजा गया है। जी, जिस तरीके से इसको सियासी एंगल देने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर नेता भी तो दानिश इस पर बयानबाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज जो इनका बयान आया है, ये मुझे लगता है जो ये इनसाइड स्टोरी है मर्डर की, इस मर्डर की इनसाइड स्टोरी को आज एक हफ्ता हो चुका होगा लगभग, उसके बाद आज निजामी का जो बयान जो आया है, इस बयान में मुझे लगता है उन बयान से ये आहत होंगे और इन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे और राजनीतिक गलियारों में या राजनीतिक नेताओं में एक ट्रेंड चल रहा है फ्रीजर को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं बरगलाने की भी एक कोशिश है और इसमें मजहब को जो निशाना लगाया गया उसका इनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां इसको अब चुनावी के अंदर एजेंडा बना रही हैं, यानी चुनाव में इसको एजेंडा बना करके वो राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा ले रही हैं, जबकि मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है। हत्यारे किसी मजहब के नहीं, अगर हत्यारों में कोई मजहब होता तो इस तरह की घटनाएं ना होती, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आफ्ताब मजहब का होता तो वो कहीं ना कहीं खुदा से डरता और इस तरीके की हरकतें ना तो वो करता, और इस मर्डर को कर देना, ये बहुत बड़ी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये शर्मनाक था, गंभीर था। जिस तरीके से मर्डर हुए थे, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे, सवाल उसकी सोच पर खड़े हुए थे, सवाल उसकी क्रूरता पर खड़े हुए थे, कि पहले मोहब्बत थी, उसके बाद अदावत, और अदावत ने फिर मर्डर, फिर उसके कई टुकड़े, इन टुकड़ों ने कहीं ना कहीं समाज को भी टुकड़ों में बांटा है, और समाज के टुकड़ों में बांटने को लेकर के निजामी ने जो निशाना साधा है वो ये कहने की कोशिश की कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता अब इस मुद्दे को मजहब में खोज रहे हैं और इस मुद्दे में मजहब को शामिल कर रहे हैं,
जो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक है। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम में तैयार की गई गाय के घी पर सवाल उठाकर विवादों के घेरे में आए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को ही बाबा रामदेव पर सीधा हमला बोला है। सांसद ने सीधे तौर पर कहा है कि गोंडा की धरती पर जन्मे योग के प्रेरणता और महर्षि पतंजलि के ही नाम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए और पतंजलि के नाम का पर मसाला, दूध और घी और इसके साथ ही बनियान बेचने का भी जो कारोबार चल रहा है वो सीधे तौर पर महर्षि के नाम पर दोहन है। और सांसद ने यह भी कह दिया कि आप किसकी अनुमति से इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके नाम का इस्तेमाल कर अरबों खरबों रुपए का व्यापार खड़ा किया गया है उनके लिए आपने क्या किया। सांसद ने कहा कि इस नाम का इस्तेमाल बंद करिए, अन्यथा इस विषय को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और दो दिन पहले बाराबंकी के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने कहा कि वहां मौजूद लोगों से अपने घर का घी इस्तेमाल करने की सलाह दी है और सांसद ने कहा था कि आप रामदेव का घी खाकर स्वस्थ नहीं हो सकते। और सांसद के इस बयान पर पतंजलि योगपीठ के निर्देशन बालकृष्ण के आपत्ति जताई थी और सांसद को फोन कर इस संबंध में एक बयान जारी करने का भी आग्रह किया था। बाबा रामदेव के खिलाफ बृजभूषण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और महर्षि पतंजलि के ही जन्मभूमि कोंडर पहुंचकर कहा कि पतंजलि की जन्मभूमि की अपेक्षा और नाम इस्तेमाल करने वाले बने हैं खरबपति। मत आइए, सबसे बड़ा सवाल है कि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है, ये हमारे कहने से नहीं होगा। गूगल के अनुसार ये महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है, महाभाष्य के अनुसार ये पतंजलि की जन्मभूमि है और जो है राजा भोज के हिसाब से उनकी जन्मभूमि है। आवाज उनके जन्मभूमि पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सारी दुनिया के लोगों को, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही हो, हिंदुस्तान के लोगों को जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही हो कि ये है महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि और ये है उपेक्षा का शिकार। हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं, ये बाबा राम की जिम्मेदारी नहीं थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश बने हुए हैं। दानिश, जिस तरह से सामने आया बयान सांसद का, उन्होंने तो सीधा पतंजलि पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए, बृजभूषण जो है, जो सांसद हैं कैसरगंज के, ऐसा नहीं, बहुत तीखा बोलते हैं और जब भी बोलते हैं धुआं कहीं और से उठता है और आग पहले लग जाती है। अमूमन देखने को ये मिलता है कि बृजभूषण जो सांसद हैं सरकार से नाराज हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज हैं, या फिर किसी महापुरुष से नाराज हैं या कोई व्यापारी से। ये उनके भाषा बताती है, उनके बोल बताते हैं कि कुछ हद तक जब वो बोलते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उसका धुआं पूरे यूपी या कहते हैं तो भारत तक फैल जाता है। जिस तरीके से आज बृजभूषण ने जो आरोप लगाया है, जो बात कही है, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो पतंजलि के संस्थापक कहिए या निर्माता या संयोजक बाबा रामदेव, जिनका नाम लेकर के अपना इतना बड़ा व्यापार बनाए हुए, उन्होंने पतंजलि के लिए नाम के लिए क्या किया है, जबकि गोंडा की तप स्थली है पतंजलि, पतंजलि महर्षि की स्थली है गोंडा की, यानी गोंडा में पतंजलि महर्षि के नाम से प्रसिद्ध है और उस नाम का दुरुपयोग या उसका उपयोग बाबा रामदेव ने किया है अपने व्यापार के लिए। तो उन्होंने जो व्यापार किया है उससे जो बनाई हुई अकूत संपत्ति है, उस संपत्ति का उन्होंने पतंजलि के लिए क्या योगदान किया, उन महर्षि के लिए क्या योगदान किया, गोंडा वालों के लिए क्या योगदान किया, इसको लेकर के बृजभूषण सांसद ने अब सीधे बाबा रामदेव पर निशाना लगा दिया है। और बाबा रामदेव पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो घी दवाइयां आयुर्वेदिक और जो उनके तेल हैं उनका भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जो पतंजलि के नाम से बंद होना चाहिए। पतंजलि गोंडा की तपोस्थली है, गोंडा में महर्षियों के नाम से जानी जाती थी और पतंजलि का इस्तेमाल जो बाबा रामदेव ने किया है ये दुर्भाग्य की बात है। लोग उनका तेल खरीद रहे हैं, घी खरीद रहे हैं, ये लोगों का काम है, लेकिन पतंजलि के बाबा जी जो बेच रहे हैं ये बाबा जी का काम है, लोग खरीदेंगे नहीं तो वो बेचेंगे नहीं। गोंडा के सांसद ने ये भी कहा है, किसी ने उनसे सवाल किया है कि पतंजलि के जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने घी और तेल भी पतंजलि के नाम से बना रहे हैं, तो सांसद ने ये बात कह दी है कि घी और तेल बेच रहे हैं उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन लोग खरीद रहे हैं तभी तो बेच रहे हैं ना। तो जिस तरीके से सांसद ने जो ये बात कही है, अब बृजभूषण सांसद के निशाने पर पतंजलि के संयोजक बाबा रामदेव हैं और उन्हें ये बात कही इसको बंद होना चाहिए।
तो क्या पतंजलि के व्यापार पर अब सांसद जी तला डलवा देंगे, या फिर गोंडा में कुछ सहयोग उनको चाहिए, या फिर बाबा रामदेव ऐसा क्या करें कि गोंडा में भी पतंजलि के सहयोग से उन महर्षि को योगदान जाए? ये सांसद का सवाल है, और सवाल मुझे लगता है सांसद ने कुछ सोच कर बोला है, कुछ ऐसी चीज सांसद के पास है जिन्होंने पुख्ता तौर पर निशाना बाबा रामदेव पर लगाया है। जिस तरह से दानिश सांसद ने नाम का इस्तेमाल बंद करने के लिए उन्होंने कह दिया, अगर ये नाम का इस्तेमाल बंद नहीं किया गया तो इस विषय को लेकर वो आंदोलन भी करेंगे, इसको लेकर क्या अभी बयान सामने है? देखिए, कैसरगंज से सांसद हैं, गोंडा नजदीकी उनका स्थान है, ब्रजभूषण अपने बातों से जाने जाते हैं, और इनका बयान जो होता है वो सुर्खियों में तो रहता ही, लेकिन कहीं ना कहीं जेन्युइन भी होता है। जिस तरीके से ब्रजभूषण सरण सिंह ने जो ये एक बाबा रामदेव को आड़े हाथों ले लिया है और उन्होंने ये कहा है कि इसके नाम का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, उनका मतलब ये है कि पतंजलि के नाम से घी बंद हो जाए, तेल बंद हो जाए, व्यापार बंद हो जाए। पतंजलि गोंडा में महर्षियों की स्थलीय स्थल है और वहां पर पतंजलि का नाम सबसे पहले था, यहीं से बाबा रामदेव ने शायद नाम चुरा लिया है और चुरा करके उसका व्यापार किया है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पतंजलि का जो गोंडा से जुड़ा नाता है वो वापस किया जाए, और उस नाम को जो बाबा रामदेव ने बिना गोंडा वालों की मर्जी या सांसद की मर्जी से चुरा लिया है, उस चुराए हुए नाम को वापस किया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ आंदोलन होगा, विरोध होगा। तो अब मुझे लगता है कि पतंजलि वार, मैं कह सकता हूँ कि भाजपा सांसद का इस बार आयुर्वेदिक बाबा रामदेव पतंजलि वार युद्ध छिड़ेगा। जी बिल्कुल दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।